करना चाहिए था ना शादी के लिए। हाँ, सारे मेहमानों के सामने वो कहती कि मेरी बहन बेवकूफ है और उसके घर वाले भी, और ये शादी तो बस एक ड्रामा है। कार्तिक, मैं जीजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर हाँ, आज मेरी नजरों में लक्ष्मी की इज्जत और बढ़ गई है, क्योंकि वो समझदार निकली। तुम्हारी इन सारी हरकतों के बावजूद उसने हमारी इज्जत बचाई है। तुम जिसे धोखा समझ रहे हो ना कार्तिक, वो धोखा नहीं है बेटा। तुम्हारे और जिया के बारे में सब कुछ जाने के बावजूद उसने तुम्हारी और हमारी इज्जत बचाई है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बेटा सबके सामने हमारी इज्जत उछालने। ये जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी गलती है कार्तिक। मैं लक्ष्मी के साथ अब ज्यादती नहीं होने दे सकती। तुम लक्ष्मी के साथ शादी कर लो, तुम खुश रहोगे। मेरी बात मानो बेटा, जिया को भूल जाओ। क्या करूं उस लड़के का, मैं इसका इतना अच्छा बुरा बहुत ही समझता। फिर पूछता है कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट हिम गो लाइक दिस, रूइन हिज लाइफ, चार्ज। कार्तिक ने गायत्री से कहा कि उसे नहीं करनी है लक्ष्मी से शादी। जी हाँ, आपके फेवरेट शो मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखेंगे कि कार्तिक को लक्ष्मी पे गुस्सा आ रहा है। जी हाँ, दरअसल कार्तिक को लग रहा है कि लक्ष्मी सब जानते हुए भी ये शादी क्यों कर रही है, और उसे लक्ष्मी के इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में आकर लक्ष्मी के नाम की मेहंदी अपने हाथ से मिटा देता है और शादी के मंडप में ना बैठने का फैसला लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कार्तिक गायत्री से कहता है कि वो लक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ गायत्री कार्तिक को समझाते हुए उसे कहती है कि वो लक्ष्मी का दिल बार बार नहीं दुखा सकती, उसे जिया को भूल कर लक्ष्मी को अपनाना होगा, उसे लक्ष्मी से शादी करनी ही होगी। बचपन में जो तुम करने जा रहे हो वो मत करो कार्तिक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज। देखो, मैं भी घर जा रही हूँ, कल शादी है तुम्हारी, बहुत से काम बचे हैं, वक्त पे घर आ जाना, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी।